कैसे काटते हैं, दिखाती हूँ आलू को भी। What is your name? What is your father name? Nadi? Your father name? Father name? Father name? Nin baba Nadi? Haplomba. Ni nama ni lah. Bapun. 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 Coklatnya? Apa? Apa? Ah, nanti jerman dah. Jerman. Jerman. Deh, ini coklat jerman lagi nak. Deh, deh. Akhlai deh. Deh, deh, deh. Ya, sabi. Eko, final look. थोड़ा बाकी है यहाँ पे, थोड़ा घुस गया है अंदर, तो इसको फिर ठीक करती हूँ। योशमा गाँव ने शाम मैंने यहाँ पे भाई लोग मेरे लिए कोकोनट काट के दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको कल हफलोंग लेके जाएगा तीन टू बिना कवर छिल के लेके जाने के लिए, तो बैग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कवर छिल के लेके जाने वाला है। लक्ष्मी पूजा में सब कोकोनट तोड़ दिया था हमारा कोकोनट ट्री का, तो सब चोरी हो जाता है ना, इसलिए अभी हम आए हैं हरंगजो बाज़ार में। यहाँ पे एक छोटा सा काम था और फिर वापस जाने वाले हैं। गाइस, अभी हम लोग खेत में आए हैं, पूरा धान निकल गया, देखो, देख सकती हो पूरा धान। और यहाँ पे छोटा सा नदी है नाला नाला, यहाँ पे एक मंडू है, मंडू अभी बुशु आने वाला है और पूजा दिवाली ये सब भी आने वाला है, और इतना फेस्टिव शुरू हो गया है, तो यहाँ पे मजदूर करने के लिए आए हैं हम गरीब ना तो क्या करें मजदूर करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये देखो इतना बड़ा सा खेत। तो गाइस बने रही, अभी हम लोग को मेरा इंटरव्यू में कैसे हुआ, क्या हुआ और मेरा रिजल्ट कैसे हुआ वो सब बताने वाला है यहाँ पे बैठ के, तो बने रहिए गाइस, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस मेरा मैं अभी कमेंट रिप्लाई करने वाला है सबका, तो बने रहिए। तो फर्स्ट कमेंट है, आप कहाँ से हो, बोला किसी ने मुझे। तो हम एक्चुअली हम असली में तो हरंगजा कपूचरा विलेज से है, लेकिन हम हफलोंग में रहती हूँ, वहाँ से ही पढ़ाई सब किया है। तो मेरा क्या बोले, मैं बचपन से हफलोंग में था और हफलोंग में ही क्लास नर्सरी से पढ़ा, तो अभी वहाँ में ही रहता है, लेकिन हम कल परसों को ही मेरा गांव पे आया, तो अभी हम गांव में है और ये देख सकती हो नज़ारा गांव का मैं इतना मेरा घर का सामने में खेत है, वहाँ पे ऐसे व्यू देखने के लिए आया। अभी थोड़ा शाम होने वाला है, तो अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है तो अभी हम कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है। तो हम हरंगजाओ से हैं, हूँ असली में हम हरंगजाओ से हूँ, लेकिन हफलोंग में पढ़ाई करती हूँ। तो किसी ने बोला
आप सिलोनी पे आया है क्या? बोल के हाँ मैं डेट 15 को गया था क्योंकि मेरा इंटरव्यू डेट 16 को था, इसलिए हम 15 को गया वहाँ पे और उसके बाद में वहाँ पे हम लोग रहा एक रात और उसके बाद डेट 16 में इंटरव्यू था तो इंटरव्यू दे के हम लोग रात को ही वापस आ गया है और वहाँ पे जाके बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि रात में हम लोग रूम बुक नहीं किया था और टेंट में रहा क्योंकि इतना बारिश नहीं होगा सोच रहा था, लेकिन रात में पूरा 10-11 ऐसे को इतना बारिश दिया। उसके बाद में वहाँ पे जाके हम लोग फिर से वो टेंट का अंदर में पूरा पानी घुस गया। मेरा लास्ट वीडियो में देखा होगा आप लोग ने, जो जो मेरा लास्ट वीडियो देखा वो लोग को मालूम होगा मेरा वहाँ पे रात में क्या हुआ। और उसके बाद वहाँ पे इतना बारिश गिरा और उसके बाद में हम लोग फिर से रूम जाके ढूंढा, उसके बाद फिर रूम में ठहरा एक रात और उसके बाद नेक्स्ट सुबह होने के बाद हम फ़ोन ही टच नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अंदर में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है। और उसके बाद इतना जल्दी से रेडी होके फील्ड का वो ग्राउंड का अंदर में घुसा और उसके बाद मेरा रनिंग तो पास तो हुआ कोई स्ट्रोट, लेकिन मेरा मार्क्स बहुत कम है और मैं सोच रहा था कि अभी फिजिकल में ही वो NCC का भी ऐड होगा सोचा, लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ, वो रिटेन एग्ज़ाम का बाद ही ऐड होगा बोल रहा है। मेरा टोटल तो नहीं बोलेगा मेरा वो मार्क्स तो हम नहीं बताएगा आप लोगों को, मेरा मार्क्स नहीं बताएगा किसे। कोई तो पूछ रहा है यहाँ पे आपका इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला बोल के, लेकिन हम नहीं बोलेगा। तो दिमाग हसों से कितना पास हुआ वाला, बहुत सारा लोग पास हुआ है लेकिन NCC का कितना हुआ, NCC का मेरा जूनियर लोग का भी ज़्यादा हुआ, NCC का सब मिला के 5-6 होगा, 5-6 समथिंग ऐसे है ना क्या। तो इतना पास हुआ है और उसके बाद में मेरा वहाँ पे जो मेरा पहचानता है वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पास ही हुआ है। और वन क्वेश्चन दीदी, फॉर गर्ल्स रनिंग कितना राउंड है? तो गर्ल्स का रनिंग तो आज दिस ईयर तो फील थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ, इसलिए 5 राउंड ही भागना पड़ा 1600 मीटर। तो उसके बाद पास हुआ पूछा किसी ने, तो पास तो हुआ कोई जरूरत। उसके बाद योर पुलिस फ्रेंड इज सो क्यूट, हाँ मेरा पुलिस फ्रेंड वहाँ पे ड्यूटी रहा वो लोग का और वहाँ पे मिला वो लोग को भी, वो लोग हम लोग को मिलने आया, हम लोग पहुँचने का साथ साथ ही हम लोग को मिलने आया वो लोग और इतना अच्छा लगा वो लोग को मिलके और इतना प्राउड फील होता है जो जहाँ मैं थोड़ा दूर जाने के बाद अपना दोस्त लोग को मिलेगा वहाँ पे, तो इतना मैंने प्राउड फील होता है। और वहाँ पे मेरा दो पुलिस दोस्त था वो लोग लास्ट ईयर में मेरा साथ ही, हम भी वो लोग का साथ ही इंटरव्यू दिया था, लेकिन लास्ट टाइम में मेरा लंगजम में पाँव चटाई बोल के और लंगजम में मेरा रिजेक्ट हुआ। तो इतना ही है। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट क्या है, तो सब वहाँ पे जाके मेरा सब्सक्राइबर लोग को भी मिला, हम बहुत अच्छा लगा और आप लोग से हम इतना अच्छा से बात नहीं कर पाया, मैंने इतना नहीं मिल पाया क्योंकि हम थोड़ा जल्दबाजी में था सब कुछ वहाँ पे, तो खराब मत पाइएगा आप लोग भी। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखा आप लोग भी, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमको और वीडियो देखते रहना मेरा वीडियो ये सब। तो रनिंग तो मेरा यहाँ पे हम ये हाफलॉन्ग DSA ग्राउंड में हम कैसे प्रैक्टिस किया वहाँ पे बहुत ख़राब हुआ मेरा, क्योंकि हम यहाँ पे जब प्रैक्टिस करता रहा उस टाइम में मेरा 7.2 सेकेंड ऐसे समथिंग हो प्रैक्टिस में इतना लगता रहा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन वहाँ का फील थोड़ा ऐसे अप है, ऐसे राउंड है ना, ऐसे राउंड होने वाला में ऐसे ये तो फील है ना, ऐसे ग्राउंड ये ग्राउंड है तो ऐसे अप होता है, उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद फिर डाउन होता है, ऐसे होता है, इसलिए ऐसे अप होने में एनर्जी ख़त्म हो जाता है, इसलिए पूरा ज़्यादा टाइम लगा हमको। तो वहाँ पे मेरा रनिंग में 7.40 समथिंग ऐसे कुछ लगा, तो मेरा मार्क्स बहुत ही ख़राब हुआ है, लेकिन नहीं बोलेगा हम कितना मार्क्स मिला तो
बस इतना ही है, अभी हम थोड़ा यहाँ पे बैठेगा, उसके बाद फिर हम घर जाएगा। आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, बाय बाय। इतना माने इतना प्लेन है और देखो गाइस इतना सुंदर। तो अभी हम लोग फोटोशूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं, तो स्टे ट्यून गाइस। ये देखो व्यू इतना सुंदर है, तो हम लोग अभी फोटोशूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं गाइस, बने रहिए। तो गाइस अभी हम फिर से गाड़ी वेट कर रहा है हम लोग वापस जाने के लिए।